धन्यवाद। गुजरात विधानसभा के इस विशेष सत्र में प्रमुख रूप से उपस्थित आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. नीमाबेन आचार्य जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री सुखराम राठवा जी, उपस्थित सभी मंत्रीगण एवं विधायकगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, लोकतंत्र के इस मंदिर में आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे बापू की जन्मभूमि गुजरात की इस पावन धरती पर आने के लिए अनेक अवसर प्राप्त हुए। यह एक महत्वपूर्ण संयोग है कि गुजरात की विधानसभा का यह समारोह तब आयोजित हो रहा है जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी और उसके अमृत महोत्सव के संदर्भ में गुजरात से अधिक उपयुक्त कोई और स्थान नहीं है। स्वतंत्र भारत की कल्पना करने वाले लोगों में गुजरात क्षेत्र के निवासी अग्रणी थे। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में भारतीयों के अधिकारों के लिए दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता जैसी विभूतियों ने आवाज़ उठाई थी। उस संघर्ष को गुजरात के लोगों द्वारा निरंतर मजबूत बनाया गया और अंततः वो लड़ाई महात्मा गांधी जैसे युग प्रवर्तक के मार्गदर्शन में भारत की स्वतंत्रता के रूप में फलीभूत हुई। महात्मा गांधी ने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया अपितु संपूर्ण विश्व को एक नई राह, एक नूतन सोच और एक नवीन दर्शन का उद्बोध कराया। आज जब भी विश्व में किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तब बापू के मूल मंत्र अहिंसा के महत्व का एहसास किया जाता है। देवी और सज्जनों, गुजरात का इतिहास अद्वितीय रहा है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की इस भूमि को सत्याग्रह की धरती भी कहा जा सकता है। सत्याग्रह अर्थात सत्य का आग्रह, यह मंत्र विश्व भर में साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक अमोघ अस्त्र के रूप में स्थापित हुआ। बारडोली सत्याग्रह, नमक आंदोलन और दांडी मार्च ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नया स्वरूप तो दिया ही, साथ ही विद्रोह की अभिव्यक्ति और जन आंदोलन के संचालन को भी एक नया आयाम दिया। बारडोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एक महान जननायक का भी उदय हुआ। देवी और सज्जनों, लौह पुरुष सरदार पटेल ने आज़ाद भारत को उसका एकीकृत स्वरूप प्रदान किया और प्रशासन की आधारशिला को मजबूत बनाया। नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा, जिसे हम सब लोग स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। परंतु देशवासियों के हृदय में सरदार पटेल का कद उससे भी ऊंचा है। उनकी वह प्रतिमा भारत के उस महान सपूत की स्मृति में कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी गुजरात ने अहम भूमिका निभाई है। नरसिंह मेहता की भक्ति से सिंचित इस धरती पर अध्यात्म का प्रचुर प्रभाव रहा है। उनका भजन वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीड़ पराही जाने रे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का भी गीत बन गया था। इस भजन ने भारतीय संस्कृति के मानवतावाद को प्रसारित किया। पूरी मानवता के प्रति समदृष्टि के परिवेश में गुजरात में पली बढ़ी हंसाबेन मेहता ने
संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रावधानों में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। वे उन 15 महिलाओं में से थी जिन्होंने संविधान सभा के सक्रिय सदस्यों के रूप में भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। देवी और सज्जनों, गुजरात के लोगों की उदारता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। प्राचीन काल से इस क्षेत्र में सभी पंथों और समुदायों के लोग बंधुता के साथ आगे बढ़ते रहे। पालीताना और गिरनार के जैन मंदिरों से लेकर बरनगर के बौद्ध विहार तक तथा सोमनाथ के मंदिर से लेकर उड़वाड़ा के पारसी अग्नि मंदिर तक हमें गुजरात की विविधता में एकता के दर्शन कराते हैं। चाहे सदियों पहले सोमनाथ पर हुए अनेक आक्रमण हों या 20वीं सदी में भुज भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, संघर्षों के बीच विकसित यह धरती सदैव पहले से भी अधिक शक्तिशाली और दृढ़ होकर उभरती रही है। आधुनिक युग में भी विज्ञान के क्षेत्र में गुजरात का उल्लेखनीय योगदान रहा है। जहां होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, वहीं अहमदाबाद में स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के संस्थापक डॉ. विक्रम साराभाई भारतीय विज्ञान, विशेषकर भारत के स्पेस रिसर्च के मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित हैं। सन 1960 में अपना अलग अस्तित्व बनाने के बाद आप सबका यह प्रदेश विकास के पथ पर इंटरप्राइज और इनोवेशन के जरिए अग्रणी रहा है। इस राज्य की सतत आर्थिक प्रगति के लिए मैं सभी पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनकी सरकारों के योगदान की सराहना करता हूं। गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूं। गुजरात की धरती पर आरंभ हुए व्हाइट रेवोल्यूशन द्वारा पोषण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। दूध के कुल उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से आज भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। गुजरात की मिल्क कोऑपरेटिव्स इस सफलता की अग्रदूत रही है। गुजरात में सहकारिता की संस्कृति की सफलता का लाभ पूरे देश में और भी अधिक प्रसारित हो, इस दृष्टि से केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और मुझे खुशी है कि उसकी जिम्मेदारी भी आपके गुजरात के ही श्री अमित भाई शाह को दी गई है। देवियों और सज्जनों, जब गुजरात की एक नए राज्य के रूप में स्थापना की गई, उसके बाद इस विधानसभा ने राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक कदम उठाए। गुजरात पंचायत विधेयक 1961 और गुजरात अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1961 द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित की गई। बाद में गांधी जी के विचारों के अनुरूप पंचायती राज प्रणाली को एक संविधान संशोधन के जरिए पूरे देश में कार्यान्वित किया गया। राज्य के आरंभिक दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री रहे श्री बलवंत राय मेहता जी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी तथा पंचायती राज व्यवस्था के निर्माताओं में से गिना जाता है। गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी देश में सराहना होती है। यह उल्लेखनीय है कि गुजरात एकमात्र राज्य है जहां विधानसभा द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और विकास को प्रोत्साहन करने के लिए गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 1999 पारित किया गया। भविष्य उन्मुखी कानून बनाने की दिशा में इस विधानसभा द्वारा पारित गुजरात जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 भी उल्लेखनीय है। पर्यावरण अनुकूल जैविक खेती के प्रसार में अपनी आस्था को कार्य रूप देने वाले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में गुजरात सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। गुजरात की बहुआयामी प्रगति के लिए अनेक प्रभावी अधिनियमों को पारित करने के लिए गुजरात की विधानसभा के वर्तमान और भूतपूर्व सभी सदस्य सराहना के हकदार हैं।
आज मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीमाबेन आचार्य तथा सभी विधायकों को विशेष बधाई देता हूं। डॉक्टर नीमाबेन आचार्य की नियुक्ति से इस राज्य को पहली महिला स्पीकर प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि के लिए भी मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, लगभग 1.5 वर्ष पूर्व 25 नवंबर 2020 को मुझे केवड़िया में सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के पीठासीन अधिकारियों की ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन का अवसर मिला था। भारत में संसदीय प्रणाली को दिशा देने वाली दो विभूतियां गुजरात की धरती ने ही प्रदान की हैं। आज़ादी हासिल करने के पहले वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय श्री विट्ठल भाई पटेल गुजरात के ही थे। इस विधानसभा भवन का नामकरण भी विट्ठल भाई पटेल की स्मृति में किया जाना सर्वथा तर्कसंगत और इतिहास सम्मत है। आज़ादी के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म स्थान और कर्म स्थल भी गुजरात का ही ये क्षेत्र रहा है। देवी और सज्जनों, वस्तुतः भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असाधारण जीवन यात्रा में बड़ोदरा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ द्वारा महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि बड़ोदरा में ही बाबा साहब ने अस्पृश्यता और भेदभाव का अंत करने का संकल्प लिया था। समानता के उस ऐतिहासिक संकल्प को हासिल करना हम सबकी सामूहिक संवैधानिक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आप सभी विधायकगण अपने क्षेत्र और प्रदेश की जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर यह महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र और प्रदेश की जनता आप सबको अपना भाग्य विधाता मानती है। आपके क्षेत्र के लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं आप सबसे जुड़ी हुई हैं। जनता की उन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास आप सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। इस पर क्लैपिंग नहीं करेंगे? धन्यवाद। देवी और सज्जनों, पिछले कुछ वर्षों से गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। विकास का यह मॉडल देश के किसी भी क्षेत्र एवं राज्य में कार्यान्वित किया जा सकता है। साबरमती के संत द्वारा निर्मित साबरमती आश्रम एक नए रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बन रहा है। साबरमती रिवर फ्रंट शहरी परिवर्तन का प्रभावशाली एक उदाहरण है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए नगरवासियों और साबरमती के संबंध को नया रूप दिया गया है। नदियों पर स्थित देश के अन्य सभी नगरों के लिए यह अच्छा उदाहरण है। देवी और सज्जनों, गुजरात के लोगों का देश प्रेम विश्वविख्यात है। गुजराती समुदाय के लोग संपूर्ण विश्व में रहते हैं, परंतु अपनी मातृभूमि भारत से हमेशा जुड़े रहते हैं। इस संदर्भ में श्री उमाशंकर जोशी ने गुजरात के लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को बड़े ही सहज शब्दों में व्यक्त किया। उनकी कुछ पंक्तियों को मैं गुजराती भाषा में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। ऐते केवो गुजराती जे हो केवल गुजराती हिंदू भूमिना नामे जेनी उछले ना छाती महाराष्ट्र द्रविड़ बंगाल बिहार बधे अनुकूल ज्या पग मूगे त्याने थईने रोपाए दृढ़ मूल सेवा सुवास जेनी ख्याति तेज वस नक्सिख गुजराती। देवियों और सज्जनों, गुजरात से मेरा संबंध बहुत पुराना है। 70 के दशक से
मेरा यहाँ आना जाना होता रहा है। अपनी प्रत्येक यात्रा में मैंने उस विशेष ऊर्जा का अनुभव किया जो गुजरात के लोगों में देखने को मिलती है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि अपनी युवावस्था में मुझे स्वर्गीय मोरारजी देसाई के साथ कार्य करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। मोरारजी भाई के बाद श्री नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात के मूल निवासी हैं। उनको भी निकटता से जानने और उनके साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिलता रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी निष्ठा और कर्मठता के फलस्वरूप अनेक पैमानों पर गुजरात को भारत के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है और अब प्रधानमंत्री के रूप में वे भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिला रहे हैं। संयोग से दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी की कर्म भूमि भी गुजरात ही थी। इस प्रकार गुजरात ने महान जन नायकों और उत्कृष्ट प्रशासकों की प्रभावशाली परंपरा विकसित की है। जैसा कि मैंने अपने संबोधन के आरंभ में कहा था कि लोकतंत्र के इस मंदिर में आयोजित ये समारोह आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मनाया जा रहा है। यह हम सब का कर्तव्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं, ताकि सन 2047 में जब हमारे देशवासी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहे होंगे तब उस समय की पीढ़ी को अपने देश पर गर्व का अनुभव हो। मैं आशा करता हूँ कि भारत सरकार, सभी राज्य सरकारें और देश के सभी नागरिक स्वतंत्र भारत के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम बनाने के उद्देश्य से मिलजुल कर विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जय जय गर्वी गुजरात। धन्यवाद। जय। हम सब अपने स्थान पर राष्ट्रगीत के सम्मान हेतु खड़े रहेंगे।